रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। वैज्ञानिकों की चेतावनी, आज शाम इस शहर में आएगा तूफान, आसमान से बरसेंगे ओले, घर से ना निकलें लोग। न्यू दिल्ली कोलन पूरे उत्तर भारत में अभी आंधी तूफान का खतरा टला नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद अब पहाड़ों पर भी मौसम खराब हो सकता है। मौसम विभाग IMD ने चेतावनी जारी की है कि आज पहाड़ों पर मौसम विकराल रूप धारण कर सकता है। उसका अनुमान है कि पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज तूफान और आंधी आ सकती है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ सकता है। आंधी तूफान की आशंका, मौसम विभाग ने बताया कि ये आंधी तूफान रविवार से नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते आ सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, जिससे देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में अचानक से बारिश होती है। विभाग के अनुसार तूफान के साथ आंधी आ सकती है, इसी कारण उसने अलर्ट जारी किया है। पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल ने क्या कहा? पुष्पक ज्योति पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल द्वारा बताया गया कि अगले दो दिनों में मौसम विभाग द्वारा आंधी तूफान के भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 13 और 14 मई को अलर्ट जारी। इससे पहले विभाग की ओर से यूपी की राजधानी लखनऊ एवं आसपास के जिलों में एक बार फिर आंधी तूफान आने की आशंका जताई गई थी। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 मई को यूपी के कई जिलों में तूफान आने के आसार हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस बाबत अलर्ट रहने का निर्देश भी जारी किया गया है। क्यों बदला है मौसम का मिजाज? विभाग के मुताबिक अरब सागर की ओर से आ रही नम हवा और मैदानी इलाकों में पड़ रही तेज गर्मी से यह वेदर सिस्टम बना है। इससे मैदानी इलाकों में आंधी बारिश आई, अब यह पहाड़ी इलाकों की ओर मुड़ गया, इससे वहाँ तूफान की संभावना बढ़ गई है।